लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में टीम इंडिया से बाहर चल रहे ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने शानदार शतक लगाकर सौराष्ट्र को विजय हजारे टूर्नामेंट के मैच में 4 विकेट से जीत दिला दी। लेकिन फिर भी इस मैच में सुर्खियां बटोरी एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ने वाले झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने। ईशान ने 96 गेंदों पर 93 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 5 चौके लगाए, लेकिन रिकॉर्ड बना छक्कों के साथ। लिस्ट ए क्रिकेट में झारखंड के लिए खेलते हुए एक पारी में ये सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड है। उन्होंने सौरभ तिवारी के 7 छक्कों की बराबरी की। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय टीम के दिग्गज एमएस धोनी के 6 छक्के लगाने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। लिस्ट ए क्रिकेट में झारखंड के लिए खेलते हुए माही ने साल 2016-17 के सीजन में छत्तीसगढ़ के खिलाफ 6 छक्के लगाए थे। हालांकि ईशान के इस रिकॉर्ड पर विरोधी टीम के जडेजा भारी पड़े और उन्होंने अपनी टीम को जीत दिला दी। झारखंड ने पहले खेलते हुए 329 रन बनाए। सौराष्ट्र ने इसके जवाब में जडेजा की 113 रन की पारी की बदौलत 333 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। प्ले मीडिया रिपोर्ट।